हेलो एवरीवन, वेलकम टू अवर चैनल पीएसटेक पैट पेशन। तो कंटिन्यू करते हैं हमारे मैथमेटिक्स के सीरीज को। इसमें हमने जो सीरीज स्टार्ट की है, इसमें हम सिलेबस कवर कर रहे हैं पीएसटेट का। तो पीएसटेट के अकॉर्डिंग जो भी हमारा सिलेबस है उसको हम कवर कर रहे हैं, जिसमें हमारा फर्स्ट टॉपिक नंबर सिस्टम हम कम्प्लीट कर चुके हैं, और जो हमारा सेकेंड टॉपिक है सिंप्लीफिकेशन, वो भी हमारा कम्प्लीट हो चुका है। आज हम सॉल्व करेंगे उनके कुछ एमसीक्यूज, कुछ सॉल्व करेंगे क्वेश्चन को, और क्वेश्चंस को सॉल्व करके ही अच्छे से जो हमारा प्रिपरेशन है वो हमें हमें जो हमारी तैयारी है वो किस तरीके से हो रही है वो हमें देखने को मिलेगा। तो क्वेश्चंस को आज हम सॉल्व करेंगे। ये जो क्वेश्चंस हैं वो सिंप्लीफिकेशन के साथ रिलेटेड क्वेश्चंस हैं, और आफ्टर दैट जो हमारा थर्ड टॉपिक होगा मैथमेटिक्स के लिए वो हम स्टार्ट करेंगे। क्लियर? तो आज हम जो हमारी स्टार्टिंग है वो फर्स्ट क्वेश्चन से करते हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, विच इज 25 - 5 इंटू जो भी हमें इक्वेशन गिवन है। तो ये जो इक्वेशन है इससे आप देखते ही समझ गए होंगे कि इसमें हमें कौन सा रूल अप्लाई करना है। हमें अप्लाई करना है बोर्ड मास। तो सीरीज को शुरू करने से पहले, क्वेश्चंस को शुरू करने से पहले, दिस इज अ इन्फॉर्मेशन कि यो जो वीडियो है, ये वीडियो पीएसटेट और सीटेट सबके लिए बहुत यूजफुल है। तो पीएसटेट की जो प्रिपरेशन कर रहे हैं स्टूडेंट्स पेपर वन और पेपर टू के लिए, सीटेट सिमिलरली पेपर वन और पेपर टू सबके लिए ये वीडियो बहुत यूजफुल है। और अगर अभी तक आपने जो प्रिपरेशन स्टार्ट नहीं किया तो आपको जो प्लेलिस्ट है सभी सब्जेक्ट का, हमने सिलेबस स्टार्ट कर दिया है, तो आपको प्लेलिस्ट हमारे ही चैनल पे मिल जाएगा। सो हमारे चैनल को अगर आप प्रिपरेशन कर रहे हैं तो ये हमारा चैनल बहुत यूजफुल रहेगा आपके लिए, क्योंकि पूरा का पूरा कोर्स आपको प्रोवाइड करवाया जा रहा है यहाँ पे। क्लियर? तो चलिए आज के क्वेश्चन को, फर्स्ट क्वेश्चन को डिस्कस करते हैं। जैसे कि हमने डिस्कस किया था कि इसमें हमें अप्लाई करना पड़ेगा बोर्ड मास रूल। तो बोर्ड मास रूल में हमने जब पढ़ा था तो सिंप्लीफिकेशन टॉपिक करते हुए हमने बोर्ड मास रूल को अच्छे से क्लियर किया था। तो बोर्ड मास में जो सबसे पहले बी है वो किसको रिप्रेजेंट करता है? ब्रैकेट को। मतलब इस इक्वेशन में जहां पे भी ब्रैकेट है हम पहले ब्रैकेट को सॉल्व करेंगे, आफ्टर दैट हम आगे बढ़ेंगे। तो ब्रैकेट हमें तीन देखने को मिल रहे हैं, बट जो सबसे स्मॉल है वो कौन सा है? 5 - 3। तो ये तो क्लियर है कि जब हम 5 - 3 को सॉल्व करेंगे तो हमारे पास आंसर आ जाएगा 2। तो हमारे पास इक्वेशन कौन सा बन जाएगा? देन आवर इक्वेशन इज 25 - 5 - 2 - 3 - 2 - 2 - 5 - 10 - 4। तो मैं इतना प्रॉपर बेसिस को सॉल्व करूंगी बिल्कुल एज एग्जैक्ट आंसर। ऐसा क्यों? क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट्स ऐसे हैं जिनका मैथमेटिक्स बहुत डिफिकल्ट लगता है। अगर हम यहाँ पे शॉर्टकट अप्लाई करेंगे तो कुछ स्टूडेंट को समझ आ जाएगा, पर जिनका मैथमेटिक्स डिफिकल्ट लगता है उनके लिए बहुत प्रॉब्लम हो सकती है। तो यहाँ पे हम कोई रूल नहीं अप्लाई करें, हम सिर्फ रूल अप्लाई करें हैं बोर्ड मास का। तो अगर आपको इस क्वेश्चन को बहुत जल्दी से सॉल्व कर सकते हैं विदाउट लॉन्ग कैलकुलेशन तो आप बिल्कुल उसी वे से कीजिए। क्लियर? तो इसमें कुछ नहीं है, हमें सिर्फ कैलकुलेशन को सॉल्व करना है, बट करना किस वे से है उसको जानना ज्यादा जरूरी है। क्लियर? तो अब इस ब्रैकेट को सॉल्व करने के बाद हमारे पास जो ब्रैकेट है वो ये है। जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो हमारे पास आंसर कौन सा आएगा? सबसे पहले हम देखिए, इसमें तीन साइन है, माइनस, मल्टीप्लाई और प्लस। तो सबसे पहले हमें सॉल्व करना है मल्टीप्लाई को, फिर हम सॉल्व करेंगे प्लस को, एडिशन को, और उसके बाद हम सॉल्व करेंगे सब्ट्रैक्शन को। क्लियर? तो सबसे पहले हम मल्टीप्लाई को सॉल्व करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 4, मतलब 2 - 4 + 5। अब 2 - 4 कितना होता है? -2, और -2 + 5 कितना होता है? 3। तो हमारे पास जो इक्वेशन है वो कुछ इस तरीके से बन जाएगा, 25 - 5 - 2 + 3 - 3 - 10 - 4। क्लियर? अब हमें अगेन सबसे पहले ब्रैकेट को सॉल्व करना है, मतलब दिस इक्वेशन को सॉल्व करना है, और उसमें हम सबसे पहले सॉल्व करेंगे मल्टीप्लाई को। तो 3 3s हमारे पास होता है 9, 2 + 9 हमारे पास क्या बन जाएगा? 11, और 11 - 10 - 1 के इक्वल होता है। सो हमारा जो इक्वेशन होगा वो होगा 25 - 5 - 1 / 4। अब इस इक्वेशन में हमें सबसे पहले क्या सॉल्व करना है? देखिए, बी मीन्स ब्रैकेट है, बट यहाँ पे हमें ब्रैकेट नहीं नजर आ रहा। ओ मीन्स ऑफ है, ऑफ भी हमें यहाँ पे नहीं नजर आ रहा। डी का मतलब है डिवाइड, तो ये डिवाइड है, इसको पहले सॉल्व करेंगे। तो हमारे पास जब डिवाइड करेंगे तो 1 को 4 के साथ डिवाइड जब हम करते हैं, 1/4 जब हम करेंगे तो हमारे पास आंसर आ जाएगा 0.20
5, तो अवर आंसर इज 25 माइनस 5 मल्टीप्लाई 0.25, क्लियर। तो 0.25 जो हमारे पास आंसर है, अब हमें क्या करना है, मल्टीप्लाई पहले करनी है, क्योंकि हमारे पास बोर्ड मास में एडिशन या सब्ट्रैक्शन से पहले मल्टीप्लाई आता है, तो इन दोनों का मल्टीप्लाई पहले किया जाएगा, तो हमारे पास आंसर क्या आ जाएगा, माइनस 1.25, दिस इज अवर आंसर, क्लियर। तो जब हम इन दोनों का सब्ट्रैक्ट करेंगे तो क्लियर है जो हमारा आंसर होगा वो कौन सा होगा, 23.75, मतलब ऑप्शन नंबर सी, दिस इज अवर राइट आंसर। तो जो बोर्ड मास के क्वेश्चन हैं उनको बिल्कुल इसी वे से हमें सॉल्व करना है, बट जो हमारा स्पीड है वो कहीं ना कहीं एग्जाम में फास्ट होना चाहिए, और वो फास्ट कैसे होगा, जैसे ही हम क्वेश्चंस को प्रॉपर वे से प्रैक्टिस ज्यादा करेंगे तो उससे हमारा स्पीड इंप्रूव होगा, हमारा मैथमेटिक्स इंप्रूव होगा, तो जितनी प्रैक्टिस की जाए उतनी कम है, क्लियर। तो चलिए आगे बढ़ते हैं सेकंड क्वेश्चन में, तो सेकंड क्वेश्चन में देखते हैं हमें क्या कहा गया है। सो दिस इज अवर सेकंड क्वेश्चन, देखिए इसमें हमें क्या गिवन है, एक इक्वेशन गिवन है जिसको हमें सॉल्व करना है, आफ्टर दैट हमें ऑप्शन गिवन है कि इनमें से कौन सा हमारा ऑप्शन राइट होगा। तो चलिए पहले इक्वेशन को सॉल्व करेंगे। अब ऐसी इक्वेशंस की कैलकुलेशन हमें देखने में बहुत लेंथी लग रही है, क्लियर, हमें लग रहा है कि इसको पहले इन दोनों को मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, फिर इन दोनों को मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, इन दोनों को और इन दोनों को भी मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, बट हम ऐसा कुछ भी नहीं करेंगे। सबसे पहले हमें ये देखना है कि ऐसे इक्वेशंस में से अगर कोई नंबर कॉमन आ रहा है, मतलब जैसे यहाँ पे हमें नजर आ रहा है कि 5 और 2, मतलब 10 हमें पता है कि ऊपर से कॉमन आ जाएगा, तो नीचे अगर हम बात करें, नीचे से भी हमें क्लियरली पता है कि 5 × 2 = 10 हमें कॉमन देखने को मिलेगा। कॉमन क्या मतलब क्या है, चलिए उसको भी अच्छे से देखते हैं। जैसे मैं इस नंबर में से अगर 10 कॉमन निकाल लेती हूँ तो मुझे इस बात की क्लैरिटी है कि मेरे पास रह जाएगा 15 × 18, मतलब जब मैं 180 में से 10 को बाहर निकाल लेती हूँ तो मेरे पास ओनली 18 रह जाएगा, और ये दोनों नंबर्स मल्टीप्लाई में है, सो हम किसी एक में से निकाल सकते हैं, क्लियर। उसके बाद सब्ट्रैक्ट है, इसलिए हमें सेकेंड नंबर में से भी अलग से जो कॉमन है वो निकालना होगा। अगर इस नंबर में से हम देखें तो अगर 20 में से मैं 10 कॉमन निकाल लेती हूँ तो मेरे पास ओनली 2 रह जाता है, मतलब 2 × 12, तो ऊपर वाले दोनों नंबर्स में से मैंने 10 कॉमन निकाल लिया, मुझको इतना लेंथी मल्टीप्लाई करने की जरूरत नहीं है। यहाँ पे मैं देखूँ तो मेरी जो कैलकुलेशन है वो कहीं ना कहीं बहुत ईजी हो गई है। नीचे की अगर हम डिनोमिनेटर के नंबर्स की बात करें तो 140 में से जब मैं 10 कॉमन निकालूंगी तो मेरे पास ओनली 14 रह जाएगा, 14 × 8। उसके बाद एडिशन है, अब इन दोनों में से हम 10 कैसे कॉमन निकालें, देखिए मुझे पता है कि कहीं ना कहीं 10 को मैं लिख सकती हूँ 2 × 5, तो पहले मैं 2 अगर कॉमन निकालू तो 2 मेरे पास आ जाएगा, तो मेरे पास यहाँ पे 1 रह जाएगा, मल्टीप्लाई अगर मैं 5 कॉमन निकालू तो 5 मैं इस नंबर में से भी कॉमन निकाल सकती हूँ, तो मेरे पास रह जाएगा 11। सो अगर मैं इस नंबर से 10 कॉमन निकालूंगी तो मेरे पास रह जाएगा 1 × 11। अगर आपका मैथमेटिक्स अच्छा है तो आपको ये कॉन्सेप्ट बहुत ईजी लग रहा होगा, बट कुछ स्टूडेंट्स जिनको ये कॉन्सेप्ट डिफिकल्ट लग रहा है, अगर वो ऐसे प्रैक्टिस करेंगे तो उनको ये भी इजी लगने लगेगा। तो 10 के साथ 10 यहाँ पे क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा, तो हमारे पास अभी क्वेश्चन ओनली दिस रह गया है, इसको सॉल्व करेंगे। अब 15 × 18 अगर हम देखें तो 15 को 18 के साथ मल्टीप्लाई हमें करना पड़ेगा अभी, तो जब फिर हमें नजर आ रहा है कि इसमें से हम 3 भी कॉमन निकाल सकते हैं, तो 3 अगेन कॉमन निकाल लेते हैं, तो हमारे पास जो नंबर है वो कौन सा रह जाएगा, 15 × 6, क्योंकि 6 × 3 क्या होता है, 18 होता है, −2 × 4, 4 × 3 क्या होता है, 12 होता है। जब मैं 12 में से 3 कॉमन निकालूंगी तो मेरे पास 4 रह जाएगा, और जब मैं 18 में से 3 कॉमन निकालूंगी तो मेरे पास 6 रह जाएगा। नीचे की अगर हम बात करें तो नीचे मेरे पास कुछ भी कॉमन नहीं आ रहा, क्यों नहीं आ रहा, क्योंकि 11 क्या है, एक प्राइम नंबर है, सो मुझको इन दोनों को मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो 14 × 8 हमें क्लियरली पता है कि क्या होता है, 2 × 11, मतलब 112 ये हमारा नीचे वाला आंसर होगा। तो जब हम इन दोनों का एडिशन करेंगे तो हमारे पास कौन सा इक्वेशन आ जाएगा, 3, 2 and 1, मतलब 123। अब ऊपर वाले इक्वेशन को सॉल्व करते हैं, इन दोनों का मल्टीप्लाई करना कुछ भी डिफिकल्ट नहीं है, मेरे पास 8 आ जाएगा इन दोनों का मल्टीप्लाई करके, और उसके आगे मेरे पास है 15 × 6, और इन दोनों का मल्टीप्लाई करना भी कुछ डिफिकल्ट नहीं है, तो इन दोनों का जब हम मल्टीप्लाई करेंगे हमारे पास आंसर आ जाएगा 3, 9, मतलब 90।
अब इन दोनों का सब्ट्रैक्शन करेंगे तो हमारे पास क्या आएगा, सॉरी 82। तो हमारे पास जो ऊपर वाला इक्वेशन होगा उसमें 3 हमारे पास मल्टीप्लाई में है, और इस पूरे इक्वेशन को सॉल्व करके हमारे पास कौन सा आंसर आ रहा है, 82। अब यहाँ पे कुछ स्टूडेंट्स क्या करेंगे, पहले इन दोनों को मल्टीप्लाई करने लगेंगे फिर इसके साथ डिवाइड करेंगे। ऐसा नहीं करना है, क्योंकि अगर हमें सॉल्वेशन करनी है, सिंप्लीफिकेशन करना है, तो हमें अगर हमारे पास फैक्टर्स पहले से ही बने हुए हैं तो हमारे लिए बहुत यूजफुल होगा। अब यहाँ पे 3 को इसके साथ मैं डायरेक्टली कट कर सकती हूँ, तो ये 41 के साथ डिवाइड हो जाएगा, और इन दोनों को जब मैं सॉल्व करूंगी तो मेरे पास आंसर आ जाएगा 2। सो आवर राइट आंसर इज ऑप्शन सी विच इज 2। क्लियर? तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। सो आवर थर्ड क्वेश्चन इज, इसमें भी हमें डिविजन में 2 इक्वेशन गिवन है, और इक्वेशन को देख के हमें ये तो क्लियर हो गया कि इन इक्वेशन पे हम क्या अप्लाई करेंगे, बोर्ड मास वो हमें कैसे क्लियर हुआ, क्योंकि हमें एडिशन डिवाइड ये सब कुछ एक साथ देखने को मिल रहा है। सो यहाँ पे हम कौन सा रूल अप्लाई करेंगे, बोर्ड मास रूल, नो डाउट। अब बोर्ड मास हम कैसे अप्लाई करेंगे, जो ऊपर वाला इक्वेशन है उस पर भी अप्लाई किया जाएगा। जैसे हमें पता है कि सबसे पहले हम ब्रैकेट को सॉल्व करेंगे, तो इस इक्वेशन में न्यूमिनेटर में जब हम ब्रैकेट को सॉल्व करेंगे तो इन चारों का पहले एड होगा, 6 को 4 टाइम्स ऐड करके हमारे पास आंसर क्या आता है, 24। और जो बाकी का इक्वेशन है डिवाइड 6, वो एज इट इज आ जाएगा। नेक्स्ट अगर हम बात करें नीचे वाले इक्वेशन की, तो यहाँ पे हमें कोई भी ब्रैकेट देखने को नहीं मिल रहा है, जो डिनोमिनेटर में है उसमें एडिशन और डिवाइड है, और बोर्ड मास के अकॉर्डिंग एडिशन और डिवाइड में हम सबसे पहले क्या करेंगे, डिवाइड करेंगे, तो सारे नंबर्स एज इट इज आ जाएंगे, 4 + 4, ये तीनों नंबर्स +4, और इन दोनों का सबसे पहले क्या किया जाएगा, डिवाइड किया जाएगा। जब 4 को 4 के साथ हम डिवाइड करेंगे तो हमारा जो आंसर है वो क्या होगा, 1, नो डाउट। अब ऊपर वाला जो न्यूमिनेटर है उसमें तो कोई डाउट रहा ही नहीं, 6 को जब 24 के साथ डिवाइड किया जाएगा तो हमारा आंसर 4 होगा, और नीचे भी ओनली एडिशन है सो कोई कंफ्यूजन नहीं है, इन सबका ऐड करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 13, विच इज आवर ऑप्शन सॉरी सी विच इज 4/30। क्लियर? सो ये हमारा थर्ड क्वेश्चन था। आगे बढ़ते हैं फोर्थ क्वेश्चन की तरफ। अब क्वेश्चन नंबर 4 इज, तो आई होप आप मेरे क्वेश्चन सॉल्व करने से पहले खुद सॉल्व कर रहे होंगे, ताकि आपको क्लियर हो सके कि आपके जो मैथमेटिक्स की प्रैक्टिस है वो कैसे चल रही है। तो अगर अभी तक आप सॉल्व नहीं कर रहे थे, तो मेरा सजेशन ये रहेगा कि मेरे सॉल्व करने से पहले आप चाहे तो मेरी वीडियो को पॉज कर सकते हैं, पहले खुद सम सॉल्व कीजिए, उसके बाद आप आंसर चेक कीजिए, मेथड चेक कीजिए कि आपका बिल्कुल सम जो आपने सॉल्व किया है वो सही है या नहीं, और लास्ट में अपनी मार्किंग जरूर कीजिए कि आपके आउट ऑफ हमने जितने भी क्वेश्चन किए उसमें से आपके कितने क्वेश्चन राइट हैं और कितने क्वेश्चन रॉन्ग है। क्लियर? तो चलिए फोर्थ क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। हमारा जो फोर्थ क्वेश्चन है उसमें हमें इक्वेशन गिवन है एक, और अवर इक्वेशन इज 1/3 +1/2 +1/x इज इक्वल टू 4, और हमें ये बताना है कि इसमें जो x की वैल्यू है वो क्या होगी। अब इसमें हमें क्या करना होगा, तो सबसे पहले तो हम उन दो नंबर्स को सॉल्व करेंगे जिनको हम सॉल्व कर सकते हैं, मतलब ये दो नंबर्स। अब इनमें तो हमें कोई भी डाउट नहीं है, ये दोनों एडिशन में है, इन दोनों को हम सॉल्व कर सकते हैं। तो पहले 1/3 को और 1/2 को ऐड करते हैं। अब इन दोनों को ऐड हम कैसे करेंगे, तो जैसे मैंने आपको बताया था कि इन दोनों का हमें क्या लेना पड़ेगा, एलसीएम लेना पड़ेगा, बट एग्जाम में हमारे पास इतना टाइम नहीं है, पहले एलसीएम ले फिर उसको सॉल्व करें। तो मैंने इन दोनों का जब एलसीएम लिया तो मैंने चेक किया कि वो 6 आ रहा है, क्लियर? और जब मैंने इन दोनों का मल्टीप्लाई किया तो मैंने देखा वो भी बिल्कुल सेम आ रहा है। इन दिस केस कि जब आपके पास एलसीएम और मल्टीप्लाई में कोई भी डिफरेंस ना हो, या फिर मैं कहूँ कि दोनों का कॉमन फैक्टर 1 हो, जैसे मुझे पता है कि 3 और 2 का कॉमन फैक्टर 1 है, तो मतलब इसका एलसीएम इसके मल्टीप्लाई के इक्वल होगा, नो डाउट। तो ऐसे केस में हम डायरेक्टली कैसे सॉल्व कर सकते हैं, इन दोनों का हम क्या करेंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे, विच इज 6, और ऊपर हमारे पास न्यूमिनेटर कैसे आएगा, 3 × 2 × 1 = 2 + 3 × 1 = 3, मतलब क्रॉस वर्ड। आफ्टर दैट हमारे पास जो आंसर आ जाएगा 5/6। इस मेथड को हम अगर अप्लाई कर रहे हैं हर एक फ्रैक्शन में, हर एक फ्रैक्शन को ऐड करने के लिए अगर हम इसको अप्लाई कर रहे हैं, तो कुछ क्वेश्चंस ऐसे भी हैं जिनका एलसीएम उनकी मल्टीप्लाई के इक्वल नहीं आता, मतलब जिनका एलसीएम जिनके डिनोमिनेटर का कॉमन फैक्टर 1 नहीं है, यहाँ पे दोनों का कॉमन फैक्टर 1 था तो मेरे पास आंसर आ गया, बट अगर इन दोनों का कॉमन फैक्टर 1 नहीं होता
तब भी आपका आंसर सही आता, बट वहां पे हो सकता है आपको इन दोनों इक्वेशंस को सिंप्लीफाई करना पड़े। तो आगे अगर ऐसे कोई क्वेश्चन आया तो जरूर डिफाइन करेंगे, पहले इसको सॉल्व करते हैं। तो हमारे पास आंसर क्या आ गया, 5/6। अब इन दोनों को ऐड करके मेरे पास क्या है, 5/6, और बाकी जो मेरे पास इक्वेशन है वो कौन सी है, 1/x = 4। अब ये तो मुझे क्लियर है कि इन दोनों को तो मैं सॉल्व नहीं कर सकती, तो मैं क्या करूंगी, इस नंबर को उधर लेके जाएंगे, तो मेरे पास इक्वेशन बन जाएगा 1/x = 4 - 5/6। अब 4 के नीचे कुछ नहीं है तो मैं डिनोमिनेटर लगा सकती हूँ 1। तो यहाँ पे भी मेरे पास क्या है, 4/1 - 5/6। तो यहाँ पे भी मैं कैसे सॉल्व करूंगी, इन दोनों का मल्टीप्लाई, जो मेरे पास क्या आ जाएगा, 6 आ जाएगा, और इन दोनों का क्रॉस प्रोडक्ट, 6 4 = 24 - 5 1 = 5। तो मेरे पास 1/x किसके इक्वल आएगा, 19/6। बट ये जो वैल्यू है वो मेरे पास 1/x की है। मोस्टली एग्जाम में हमें क्या देखने को मिलता है कि आपको कंफ्यूज करने के लिए ऐसे आंसर भी ऑप्शन में होते हैं, बट इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा 6/19। वो क्यों, क्योंकि ये जो वैल्यू है वो 1/x की है और हमें फाइंड किसकी करनी है, एक्स की वैल्यू फाइंड करनी है, विच इज 6/19, इसका रेसिप्रोकल हो जाएगा। तो 6/19 इज ऑप्शन नंबर बी। तो हमारा जो राइट आंसर है वो कौन सा है, 6/19, ऑप्शन नंबर बी। क्लियर, तो आगे बढ़ते हैं। सो क्वेश्चन नंबर 5 इज, तो इस क्वेश्चन में हमें देखने को मिल रहा है कि क्वेश्चन बहुत ज्यादातर कंफ्यूज कर देते हैं ऐसे क्वेश्चन, तो इसमें देखा जाए तो कुछ भी डिफिकल्ट नहीं है, बिल्कुल एक सिंपल सा क्वेश्चन है, इसको कैसे सॉल्व करेंगे हम। अब हमें ये चीज तो अच्छे से क्लियर है कि ऑफ का मतलब क्या होता है, तो ऑफ का मतलब मल्टीप्लाई से होता है। अगर हमें कोई दो नंबर्स में ऑफ गिवन है तो हम उन दोनों को मल्टीप्लाई से सॉल्व करते हैं। क्लियर, मतलब हम कह सकते हैं कि अगर मैं कहूं कि 5/2 of 25, तो कहीं ना कहीं हम कहेंगे कि 25 का 5/2 जो पार्ट है वो कितना होगा, और उसको हम कैसे सॉल्व करेंगे, मल्टीप्लाई से। तो इसी क्वेश्चन को भी हम बिल्कुल ऐसे ही सॉल्व करेंगे। तो हमें जैसे गिवन है 3/5 × 4/7 × 5/9 × 21/24 = 504। तो इसको सॉल्व करेंगे। अब जब हम 24 को 504 के साथ सॉल्व करेंगे तो हमारे पास आंसर आ जाएगा 21। क्लियर, तो इन सबको कुछ नहीं करना, बिल्कुल इवेल्युएट करना है सिंपल वे से, हम कहते हैं कि कट करना है नंबर्स को। तो 5 के साथ 5 कैंसिल हो जाएगा, 3 के साथ 9 कैंसिल हो जाएगा, और सॉल्व करके हमारे पास 3 आ जाएगा, नो डाउट। और 3 को हम सॉल्व कर सकते हैं 21 के साथ, जो हमारे पास क्या आ जाएगा, 7 आ जाएगा, और 7 को 7 के साथ ही सॉल्व कर देंगे। तो हमारे पास जो दो नंबर्स रह जाएंगे कौन कौन से, 21 और 4, और दोनों किस फॉर्म में है, मल्टीप्लाई में है, 21 × 4। तो इन दोनों का जब हम मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास आंसर कौन सा होगा, 84। तो हमें पता है कि ये ऑप्शन में नहीं है, हमारा आंसर जो है ऑप्शंस में नहीं है, सो हमारा जो राइट आंसर होगा वो डी होगा, नन ऑफ दिस, कि इनमें से हमारा आंसर नहीं है। क्लियर, तो विच इज 84। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। सो नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 6। इसमें भी हमें एक इक्वेशन गिवन है, इस इक्वेशन को हमें सॉल्व करना है, और उसे सॉल्व करके हमें क्या फाइंड करना है, एक्स का वैल्यू। तो चलिए सबसे पहले तो हमें ये देखने को नजर आ रहा है कि हमारा जो इक्वेशन है इसमें कुछ मिक्स फॉर्म में फ्रैक्शन गिवन है, तो उस मिक्स फॉर्म को पहले हम क्या करेंगे, सिंपल फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे। अब कौन कौन सा फ्रैक्शन है, जैसे दिस वन एंड दिस वन, पहले इन दोनों को सॉल्व कर लेते हैं और हम, ताकि हमारा जो डाउट है वो क्लियर हो जाए, इनको सिंपल फॉर्म में कन्वर्ट कर लेते हैं। तो जब हम इनको सिंपल फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 3/5/3। आई होप आपको मिक्स फॉर्म से सिंपल फॉर्म में कन्वर्ट करना आता है, क्योंकि ये हम डिटेल में कर चुके हैं। अब 1/2/3 को अब हम कन्वर्ट कर रहे हैं, तो इन दोनों का मल्टीप्लाई होगा, और जो नंबर हमारे पास आएगा, जैसे 3 × 1, क्लियर, तो जो हमारे पास नंबर आ गया 3, उसको हमने ऐड करना है 2 के साथ, विच इज 5, तो आवर आंसर इज 5/3। तो बाकी का जो क्वेश्चन है बिल्कुल एज इट इज आएगा, डिवाइड 2/7 × x/7 इक्वल टू, अब इसे भी हमें क्या करना है, सिंपल फॉर्म में कन्वर्ट करना है, तो उसे कन्वर्ट करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 4/5/4 × 2/3 / 1/6।
तो अब इसे हम क्या करेंगे, इस नंबर को हमें एज इट इज रखना है और बाकी नंबर्स को सॉल्व करना है। तो अब ये भी हमने किया था कि जब हम दो नंबर्स में डिवाइड को इवेल्युएट करते हैं, अगर मैं डिवाइड को कन्वर्ट कर दूं मल्टीप्लाई में, तो दोनों में से किसी एक नंबर का क्या हो जाएगा, रेसिप्रोकल हो जाएगा, नो डाउट। तो इसको जैसे हम, मैं कहूं कि मैं इस डिवाइड को और इस डिवाइड को मल्टीप्लाई में चेंज कर रही हूं, तो मेरे पास क्या बन जाएगा, 5/3 मल्टीप्लाई, और इस नंबर का क्या हो जाएगा, रेसिप्रोकल हो जाएगा। क्लियर? तो 2/7 का रेसिप्रोकल हो जाएगा, तो बन जाएगा 7/2, और जो x बाय सेवन है वो बिल्कुल एज इट इज रहेगा। सिमिलरली 5/4 इंटू 2/3, और डिवाइड को हम कन्वर्ट करेंगे मल्टीप्लाई में, तो हमारे पास आ जाएगा 6/1। तो इसको अच्छे से डिटेल में करवा रही हूँ, अगर आपको पहले से ये मेथड आता है तो जैसे कि आपको पहले भी मैंने कहा है कि फटाफट से इसको सॉल्व कर दीजिए, जितना टाइम आपके पास है, मतलब जल्दी से सेकेंड्स में सॉल्व करने की कोशिश कीजिए। तो चलिए इसको सॉल्व करते हैं, 7 के साथ 7 कैंसिल हो जाएगा, तो हमारे पास जो आंसर है वो कौन सा, सॉरी यहाँ पे हम अगर देखें तो 3 के साथ 6 को कैंसिल कर सकते हैं तो 2 आ जाएगा, 2 के साथ 4 को कैंसिल कर सकते हैं, यहाँ पे भी 2 आ जाएगा, और 2 के साथ 2 इवेल्युएट हो जाएगा। तो हमारे पास जो इक्वेशन है वो कौन सा बन जाएगा, 5/3 1/2 एक्स इज इक्वल टू 5, ओनली 5 इज देयर, बाकी सब कुछ सॉल्व हो गया है। तो 5 एक्स की हमें वैल्यू फाइंड करनी है, तो x के अलावा जो भी नंबर्स है उनको हम इस साइड पे ले आएंगे, तो हमारे पास आ जाएगा 5 इंटू 1/2 क्या बन जाएगा, 2/1, और 5/3 क्या बन जाएगा, 3/5, 5 के साथ 5 कैंसिल हो जाएगा और x की वैल्यू क्या आ जाएगी, 6 आ जाएगी। क्लियर? इसको मैंने ऐसे सॉल्व किया है, बट आप एग्जाम में शॉर्टकट मेथड कैसे अप्लाई करोगे कि 5 के साथ यहीं पे 5 को कैंसिल कर दोगे, बात तो एक ही है, आप यहाँ पे कैंसिल करो, चाहे उसको पहले इधर ले आओ तो भी वो डिवाइड में हो जाएगा, मतलब इक्वालिटी में बिल्कुल सेम। अगर हमारे पास नंबर है दोनों एडिशन में हो या दोनों सब्ट्रैक्शन में हो, यहाँ पे दोनों मल्टीप्लाई में थे, तो हम उसको डायरेक्टली कैंसिल कर सकते हैं, इतना प्रॉपर वे में हमें सॉल्व करने का जरूरत नहीं है। बट ये जी आप तभी कीजिए जब आपका मैथ स्ट्रॉन्ग है, आपको ये जो कॉन्सेप्ट है वो अच्छे से क्लियर है। तो इस क्वेश्चन के आंसर के अकॉर्डिंग अगर हम देखें तो हमारा जो ऑप्शन है वो डी ऑप्शन बिल्कुल सही है। क्लियर? आवर आंसर इज 6। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अब 7th क्वेश्चन इज डिफरेंस ऑफ 1/3/16 एंड इट्स रेसिप्रोकल। अब रेसिप्रोकल क्या होता है, मतलब जब इसी नंबर का हम रेसिप्रोकल कर देंगे और यही नंबर इन दोनों का डिफरेंस करे, तो सबसे पहले तो इसको सिंपल फॉर्म में कन्वर्ट करते हैं। 1/3/16 इसकी जो सिंपल फॉर्म होगी वो कौन सी होगी, 16, और ऊपर क्या आ जाएगा, 19। सिंपल फॉर्म में हम सबको पता है कि कन्वर्ट कैसे करना है, और अगर इसकी रेसिप्रोकल की बात की जाए तो वो क्या होगा, 16/19 होगा, नो डाउट। अब हमें फाइंड क्या करना है, इनका डिफरेंस फाइंड करना है, मतलब इन दोनों का हमें क्या करना है, सब्ट्रैक्ट करना है, वेरी इजी। अब हमें ये तो क्लियर है कि 16 और 19 का जो एलसीएम है उनका जो कॉमन फैक्टर है वो क्या होगा, 1 होगा। कॉमन फैक्टर अगर 1 होगा तो एलसीएम किसके इक्वल होगा, इन दोनों की मल्टीप्लाई के इक्वल होगा। क्लियर? तो यहाँ पे अगर हम बात करें 16 और 19 का, जब हम मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास जो आंसर है वो कौन सा होगा, 304। क्लियर? अब इजी, इन दोनों का मल्टीप्लाई करेंगे और इन दोनों का मल्टीप्लाई करेंगे, और बीच जो सिंबल है वो किसका होगा, नेगेटिव होगा, मतलब माइनस का होगा, सब्ट्रैक्शन का होगा। अब जब इन दोनों का मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास जो आंसर है वो क्या होगा, 361, 19 × 19 जब हम करेंगे। अब इनको आप मल्टीप्लाई करके नहीं देखोगे, जैसे कि मैंने आपको नंबर सिस्टम करते हुए कहा था कि एटलीस्ट 20 तक आपके जो स्क्वेयर्स हैं और 10 तक जो आपके क्यूब्स हैं वो आपको अच्छे से माइंड में याद होनी चाहिए। तो अगर आपको अच्छे से याद है कि 19 × 19 कितना होता है, तो आप डायरेक्टली इसका आंसर लिख दोगे 361। अगर आपने याद नहीं किए तो कहीं ना कहीं आपका जो कोई भी ऐसे क्वेश्चन हो सकता है जिसमें ये मेथड यूज हो। क्लियर? तो 20 तक और स्क्वायर्स की अगर हम बात करें और 10 तक क्यूब्स हैं वो आपके माइंड में ओवर टाइम रहने चाहिए, आपके याद होने चाहिए। 16 × 16 जब हम करेंगे तो हमारा जो आंसर है वो होगा 256। क्लियर? अब इन दोनों का हमें क्या करना है, सब्ट्रैक्ट करना है। तो डिनोमिनेटर तो क्लियर है, हमारे पास 304 ही रहेगा, और जब हम इन दोनों का सब्ट्रैक्ट करेंगे तो कहीं ना कहीं जो हमारा आंसर है वो होगा 501, मतलब 105/304। अब इन दोनों को हम सिंप्लीफाई भी नहीं कर सकते क्योंकि ये कहीं भी
कॉमन इनका जो फैक्टर है वो नहीं है, तो जो राइट ऑप्शन होगा हमारा वो होगा डी विच इज नॉन ऑफ दिस। मतलब कहीं ना कहीं ये जो आंसर है इनमें है ही नहीं, हमें दिख रहा है कि ए बी सी तीनों ही इससे मैच नहीं करते, तो हमारा जो राइट ऑप्शन होगा वो कौन सा होगा, डी नॉन ऑफ दिस। क्लियर। अवर नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर एट। इस क्वेश्चन में भी हमें न्योमिनेटर और डिनोमिनेटर दोनों में इक्वेशंस देखने को मिल रही हैं। इस इक्वेशन का हमें इस एक्सप्रेशन को सॉल्व करना है, तो सबसे पहले तो हमें ये भी क्लियर है कि जब हमें दो सिंबल्स कंफ्यूज कर रहे हैं कि हमें मल्टीप्लाई करना है या डिवाइड करना है, ऑफ करना है या डिवाइड करना है, तो हम वहां पे क्या अप्लाई करते हैं, बोर्ड मास अप्लाई करते हैं। तो बोर्ड मास में सबसे पहले ब्रेकेट है जो न्योमिनेटर और डिनोमिनेटर दोनों में ही नहीं है, तो ओ की अगर हम बात करें ऑफ तो यहाँ पे हमें देखने को मिल रहा है, तो इसको हम सॉल्व करते हैं डिनोमिनेटर में 1/3 डिवाइड, जब हम इन दोनों का मल्टीप्लाई करेंगे क्योंकि ऑफ का मतलब क्या होता है मल्टीप्लाई, तो 1 × 1 क्या होगा 1 होगा, 3 को 3 के साथ जब हम मल्टीप्लाई करेंगे तो 1/9 हमारे पास आंसर आएगा, नो डाउट। अब ऊपर हमारे पास डिवाइड और मल्टीप्लाई है, डिवाइड और मल्टीप्लाई में सबसे पहले हमें क्या सॉल्व करना होता है, डिवाइड, मतलब जब 1/3 को 1/3 के साथ ही डिवाइड करेंगे, जब हम 2 को 2 के साथ डिवाइड करते हैं तो हमारा आंसर 1 आता है, किसी भी नंबर को उसी नंबर के साथ जब हम डिवाइड करते हैं तो हमारा आंसर क्या आता है 1 आता है। सिमिलरली जब हम 1/3 को 1/3 के साथ डिवाइड करेंगे तो हमारा आंसर क्या आएगा 1 आएगा, और जिसके साथ मल्टीप्लाई में क्या आ जाएगा 1/3 ये वाला नंबर, तो और पीछे हमारे पास क्या है 1/9। क्लियर। तो आगे अगर इसकी बात करें तो इन दोनों का जब हम मल्टीप्लाई करेंगे तो 1/3 डिवाइड, क्योंकि 1 के साथ मल्टीप्लाई करके तो 1/3 आ जाएगा। इन दोनों को जब हम सॉल्व करेंगे, अब देखिए 1/3 डिवाइड को मैंने चेंज कर दिया मल्टीप्लाई में, तो मेरे पास बन गया 9/1, क्योंकि मैंने आपको बताया था प्रीवियस क्वेश्चंस में भी और पहले भी कि जब हम डिवाइड को मल्टीप्लाई में कन्वर्ट करते हैं तो 9/1 आ जाएगा। तो इन दोनों को सॉल्व करेंगे 3, तो हमारे पास नीचे क्या आ जाएगा 3। अब यहाँ पे हमारे पास 3 के नीचे कुछ भी नहीं है, दैट्स मीन 1, इन दोनों का मल्टीप्लाई होगा और इन दोनों का मल्टीप्लाई होगा, तो इन दोनों का मल्टीप्लाई करके हमारे पास क्या आ जाएगा 1/9 माइनस ये क्या आ जाएगा 1/9, इन दोनों का जब हम माइनस करेंगे तो क्या होगा 0। सो अवर राइट आंसर इज ऑप्शन ए विच इज 0। क्लियर। अवर नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 9। इसमें हमें गिवन है कि व्हाट इज द वैल्यू ऑफ पी प्लस क्यू, जिसमें हमें डिवाइड में है p माइनस क्यू, इफ p बाई क्यू का वैल्यू 7 है। अब हमें वैल्यू गिवन है p बाई क्यू का, तो इसमें हम कैसे पुट करें कि हमारे पास एग्जैक्ट यही वैल्यू हम सॉल्व कर सकें। तो p प्लस क्यू और p माइनस क्यू, अगर मैं ऊपर भी डिनोमिनेटर को भी डिवाइड कर दूं क्यू के साथ, तो मुझे नहीं लगता कोई फर्क पड़ेगा, क्योंकि हमने ये किया था कि जब हम ऊपर किसी नंबर को डिवाइड करते हैं तो उसको हम डिनोमिनेटर के साथ भी कर सकते हैं, दोनों को एक साथ करेंगे तो कोई भी फर्क नहीं पड़ने वाला। तो p प्लस क्यू इसको भी डिवाइड कर देते हैं क्यू के साथ, और p माइनस क्यू इसको भी डिवाइड कर देते हैं क्यू के साथ, तो हमारे पास क्या आ जाता है p बाय क्यू, प्लस जब हम क्यू बाई क्यू करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 1, p बाय क्यू जब हम क्यू बाई क्यू करेंगे तो अगेन हमारे पास क्या आ जाएगा 1। क्लियर। तो यहाँ पे हमें पता है कि p बाई क्यू की वैल्यू क्या है 7, तो मैं पुट कर सकती हूँ 7 + 1, और नीचे मेरे पास क्या आएगा 7 - 1, तो मेरे पास आंसर आ जाएगा 8/6। अब जब इसको हम सॉल्व करेंगे, मुझे पता है दोनों ही 2 के टेबल पे आते हैं, तो इजिली मैं इसको सॉल्व कर सकती हूँ 4/3 विच इज ऑप्शन नंबर सी विच इज अवर राइट आंसर। क्लियर। अवर नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 10। ये भी बिल्कुल उसी टाइप का है, बट थोड़ा आपको देखने में थोड़ा डिफिकल्ट लग रहा होगा, बट ऐसा कुछ भी नहीं है। यहाँ पे हमें इक्वेशन गिवन है कि a by b is equal to 4/5, c by d is equal to 15/16, देन हमें फाइंड करना है कि c² - a² / c² + a² किसके इक्वल होगा। क्लियर। तो पहले हम अगर ये करें कि इन दोनों नंबर्स को मैं मल्टीप्लाई कर दूं, जब इन दोनों नंबर्स को मैं मल्टीप्लाई करूंगी तो लेफ्ट हैंड साइड के साथ लेफ्ट हैंड साइड, मतलब इन दोनों का मल्टीप्लाई होगा, सॉरी यहाँ पे b अपॉन c है, देयर इज अ मिस्टेक, b अपॉन c, तो लेफ्ट राइट हैंड साइड के साथ राइट हैंड साइड को सॉल्व करेंगे विच इज 4/5 × 15/16, नो डाउट। अब यहाँ पे हमें क्लियर है कि b के साथ b कैंसिल हो जाएगा और वैल्यू हो जाएगी a by c की। सिमिलरली 4 के साथ जब 16 को सॉल्व करेंगे तो 4, 5 के साथ जब 15 को सॉल्व करेंगे तो 3, मतलब 3/5।
फोर, तो ए बाई सी की जो वैल्यू है वो 3/4 आ गई। अब ये क्वेश्चन बिल्कुल ही प्रीवियस क्वेश्चन की तरह बन गया है। इस इक्वेशन को हम किसके साथ डिवाइड करेंगे? अब ए बाई सी है तो हम डिवाइड भी किसके साथ करेंगे? सी के साथ, जो हमारे पास डिनोमिनेटर में है। तो यहाँ पे हमें जो नंबर गिवन है सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, वो स्क्वायर के फॉर्म में है तो हम डिवाइड भी स्क्वायर की फॉर्म में ही करेंगे। और सिमिलरली जो डिनोमिनेटर है सी स्क्वायर अपॉन प्लस ए स्क्वायर, उसको भी डिवाइड किया जाएगा सी स्क्वायर के साथ। जब इन दोनों को हम एक साथ लिखेंगे तो इसके साथ इसको डिवाइड करेंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा 1 माइनस ए स्क्वायर अपॉन सी स्क्वायर, जिसको मैं ए अपॉन सी का होल स्क्वायर भी लिख सकती हूँ। सिमिलरली डिनोमिनेटर में आ जाएगा 1 अपॉन ए प्लस सी का होल स्क्वायर। तो ए प्लस सी की हमें वैल्यू पता है तो मेरे पास आ जाएगा 1 माइनस 9 अपॉन 16। मैंने 9 अपॉन 16 क्यों लिखा है? क्योंकि मैंने पहले ही स्क्वायर कर दिया। इसका जब मैं स्क्वायर कर दूंगी तो इसका भी स्क्वायर हो जाएगा। 3 का स्क्वायर क्या होता है? 9। और 4 का स्क्वायर क्या होता है? 16। क्लियर? तो इसकी जो पूरी वैल्यू है वो क्या होगी? 9 अपॉन 16। तो 1 माइनस 9 अपॉन 16, नीचे आ जाएगा 1 प्लस 9 अपॉन 16। अब जब इन दोनों का हम एलसीएम लेके सॉल्व करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 16। यहाँ पे आएगा 16 माइनस 9, बिल्कुल ही सिमिलरली 16 प्लस 9, तो 16 के साथ 16 कैंसिल हो जाएगा। 16 में से हम 9 माइनस करेंगे तो हमारा होगा 7, 16 में हम जब 9 प्लस करेंगे तो हमारा होगा 25 ऐड करके आएगा। क्लियर? तो ये हमारा आंसर होगा। और ऑप्शंस में अगर हम देखें तो ऑप्शन नंबर बी जो कि बिल्कुल राइट ऑप्शन है, 7/25। क्लियर? तो नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, क्वेश्चन नंबर 11। अब क्वेश्चन नंबर 11 इज, क्वेश्चन नंबर 11 में हमें गिवन है 2 प्लस एक्स अपॉन 1 प्लस 1 अपॉन 3 प्लस 1/4। अब ये हमें देखने को मिल रहा है कि बहुत लेंथी है, बट हम क्या करेंगे, डिनोमिनेटर से सॉल्व करना शुरू करेंगे। तो सबसे जो पहले हम सॉल्व करेंगे वो बिल्कुल लास्ट नंबर होगा, वो है 3 प्लस 1/4। अब हम पता है कि 3 प्लस 1/4 मतलब 3/1 प्लस 1/4। इसको जब हम सॉल्व करेंगे तो सॉल्व जब हम करेंगे इसकी जो वैल्यू है वो कौन सी आ जाएगी? डिनोमिनेटर में 4 आएगा और ऊपर क्रॉस मल्टीप्लाई करके आएगा 3 × 4 = 12 + 1, मतलब 13/4 हमारे पास जो आंसर है इसको सॉल्व करके आ जाएगा। क्लियर? तो अगर हम इस इक्वेशन में इसको पुट करें तो हमारे पास आएगा 2 = x + 1/1 + अब यहाँ पे हमारे पास आएगा 1/13/4। ऐसा क्यों? क्योंकि इस इक्वेशन को सॉल्व करके 13/4 आया है और ये किसके नीचे है? 1 के डिनोमिनेटर की फॉर्म में है। अब हमें ये क्लियर है कि 4 अगर डिनोमिनेटर के डिनोमिनेटर में है, मतलब डिवाइड की डिवाइड में है, तो वो चेंज हो जाएगा। हम यहाँ पे क्या लिख सकते हैं? 4/13। इजी? तो ये बहुत क्लियर है। नेक्स्ट अगर हम बात करें 1 + 4/13 को अब हम सॉल्व करेंगे, तो जब हम सॉल्व कर रहे हैं 1 + 4/13 को, 1 के डिनोमिनेटर में कुछ नहीं है, मतलब हम 1 लगाएंगे, तो एलसीएम लेके इनका 13 आ जाएगा, 13 + 4 = 17/13। और अगर देखा जाए तो ये भी क्या है, 1/ की फॉर्म में है, 1/17/13 है, तो मैं क्या लिखूंगी? 13/17। तो मेरे पास बन जाएगा 2 = x + 13/17। क्लियर? तो जब हमें पता है कि x में तो हम इसको ऐड नहीं कर सकते, तो ये नंबर इधर आके किसका हो जाएगा? सब्ट्रैक्ट का हो जाएगा, मतलब x का जो वैल्यू होगा वो क्या होगा? 2 - 13/17। अब 2/1 - 13/17 को सॉल्व करके हमारे पास हमारा आंसर आ जाएगा। जब हम इन दोनों को सॉल्व करेंगे तो इन दोनों की मल्टीप्लाई होगी और इन दोनों की क्रॉस प्रोडक्ट होगी। ऐसा क्यों? क्योंकि दोनों का कॉमन फैक्टर क्या है? 1 है, तो डायरेक्टली हम इसको सॉल्व कर देंगे। तो 17 × 2 = 34 - 13 × 1 = 13। अब डिनोमिनेटर में तो 17 सबके हैं और ऊपर जो सब्ट्रैक्ट हमने किया है वो करके कितना आएगा? 21। सो अवर राइट ऑप्शन इज डी, लास्ट ऑप्शन 21/17। क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अब क्वेश्चन नंबर 12 इज, इसमें हमें एक इक्वेशन गिवन है
क्वेश्चन को देखते हमें ये तो समझ आ गया कि ये जरूर कोई ना कोई आइडेंटिटी या फिर फॉर्मूला है जिसके हमें डायरेक्ट वैल्यू पुट करनी है, क्योंकि इतनी लंबी कैलकुलेशन तो अब अगर हम करेंगे तो टाइम बहुत वेस्ट हो जाएगा। तो पहले हम ये देखते हैं कि आइडेंटिटी कौन सी बन रही है, और आइडेंटिटीज अल्जेब्रिक आइडेंटिटीज हो गई या फॉर्मूलाज हो गए, जो सब हम कर चुके हैं नंबर सिस्टम में ही आपको जो सभी के सभी आइडेंटिटीज करवा दी गई थी, तो आई होप आपके सभी माइंड में भी होंगी। तो चलिए पहले इसको देखते हैं। अगर हम ये लेट कर ले कि जो ए की वैल्यू है वो 38 है, क्योंकि 38 मेरे पास नंबर है, उसके बाद मेरे पास 34 नंबर है, तो अगर मैं लेट कर लूँ कि बी की वैल्यू 34 है और उसके बाद 28 है, तो सी की वैल्यू मैं 28 ले लेती हूँ। अगर मैंने देखा तो तीनों नंबर अगेन रिपीट हो रहे हैं, तो मेरे पास तीन वैल्यूज ही होंगी। तो चलिए देखते हैं, अगर तीन बार फर्स्ट नंबर है मतलब ए क्या है, तीन बार है मतलब मैं इसको ए क्यूब लिख सकती हूँ, प्लस सिमिलरली ये भी तीन बार है मतलब मैं यहाँ पे बी क्यूब लिख सकती हूँ, सिमिलरली प्लस यहाँ पे क्या आ जाएगा सी क्यूब माइनस। अब तीनों का मल्टीप्लाई है 38, ए की वैल्यू हमने लेट की है, बी की वैल्यू 34 और सी की वैल्यू 28, तो ये हमारा जो न्योमिनेटर है वो बन जाएगा। नीचे अगर हम चेक करें तो 38 मेरे पास ए का वैल्यू है, मतलब मैं यहाँ पे ए स्क्वायर लिख सकती हूँ क्योंकि ये मेरे पास ओनली 2 times है, ठीक है। तो 34 की अगर हम बात करें तो ये मेरे पास क्या होगा बी स्क्वायर आ जाएगा, और 28 मेरे पास क्या होगा सी स्क्वायर। अब 38 इंटू 34 मतलब ए और बी माइनस इन दोनों की मल्टीप्लाई, माइनस बी के साथ सी है और माइनस ए के साथ सी है। अब ये जो आइडेंटिटी है ये किसके इक्वल है, ये इक्वल होती है हमेशा ए प्लस बी प्लस सी के। अब ये कैसे, क्यूब के फॉर्मूलाज हमने किए हैं, अगर आपने अभी तक प्रीवियस वीडियोस नहीं देखी है अच्छे से तो जरूर आपको इसमें डाउट होगा। तो इसे सॉल्व करने से पहले, जो एमसीक्यूज को सॉल्व करने से पहले, तो मेरा सजेशन ये रहेगा कि सबसे पहले आप जो आपका टॉपिक है वो अच्छे से क्लियर करें, उसके बाद ही आप क्वेश्चन को सॉल्व करें। तो ये जो वैल्यू है वो किसके इक्वल होगी ए प्लस बी प्लस सी के। अब ए की वैल्यू हमारे पास क्या है 38, प्लस बी की वैल्यू क्या है 34, प्लस सी की वैल्यू क्या है 28। मतलब कुछ नहीं करना हमें, सिर्फ इन तीनों का ऐड करना है, तीनों का ऐड करके हमारे पास क्या आ जाएगा 100, विच इज ऑप्शन नंबर डी, लास्ट ऑप्शन है 100, तो यही हमारा राइट आंसर होगा। क्लियर। तो जो बाकी के क्वेश्चन है उनको हम नेक्स्ट वीडियो में सॉल्व करेंगे, नेक्स्ट वीडियो में हम और एमसीक्यूज है क्लियर, तो उनको सॉल्व करेंगे। आज हाफ ही हो पाएंगे, टाइम भी बहुत हो गया है, तो चलिए कंटिन्यू करेंगे नेक्स्ट वीडियो में, बाकी के क्वेश्चंस हैं उसमें सॉल्व करेंगे, तो वो भी सिंप्लीफिकेशन के साथ रिलेटेड होंगे। तो अगर आप चाहते हैं कि इन क्वेश्चंस की पीडीएफ या फिर मैथमेटिक्स के नोट्स, पीएसटेट प्रिपरेशन अगर आप कर रहे हैं तो उसके नोट्स अगर आप लेना चाहते हैं, पीडीएफ्स लेना चाहते हैं, तो उसके लिए जो आपके व्हाट्सएप ग्रुप्स हैं वो बना दिए गए हैं, और इन ग्रुप्स का जो लिंक है वो इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा। वो पेपर 1 और पेपर 2 मैथ साइंस के स्टूडेंट्स के अकॉर्डिंग आपको बाय नेम इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में उन ग्रुप्स का लिंक मिल जाएगा। अगर तो अगर आप ज्वाइन करना चाहते हैं नोट्स के लिए, पीडीएफ्स के लिए, अच्छे हैंड रिटन नोट्स आपको वहां प्रोवाइड करवाए जा रहे हैं, जैसे ही हमारा सिलेबस इन वीडियोज में कवर हो रहा है बिल्कुल उसी के साथ रिलेटेड, जो जैसे फर्स्ट टॉपिक कंप्लीट हो गया तो उसके सिलेबस के अकॉर्डिंग जो नोट्स हैं या पीडीएफ्स हैं वो आपको सेंड की जा रही है। क्लियर। तो अगर आप चाहे तो ज्वाइन कर सकते हैं, लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। और अगर अभी तक आपने अच्छे से प्रिपरेशन नहीं किया सिंप्लीफिकेशन का, जो नंबर सिस्टम का, या फिर पीएसटेट की तैयारी करनी आपने शुरू नहीं की, तो वो भी आप शुरू कर सकते हैं। हर एक सब्जेक्ट का जो सिलेबस है वो स्टार्ट करवा दिया गया है, और सभी की जो प्लेलिस्ट है वो आपको हमारे चैनल पे मिल जाएगी। तो सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए, अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो लाइक भी कीजिए। थैंक यू। चलिए नेक्स्ट वीडियो में क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। आज के लिए बस इतना ही। टेक केयर।